जी फोर क्लास, आज हम आपका सोशल स्टडी वर्क बुक का चैप्टर नंबर लेसन नंबर 8 लॉ एंड जस्टिस करेंगे। तो आपका पेज नंबर है 3, जहाँ पे ये आपने फिल इन दी ब्लैंक्स और लिखनी है, और उसके साथ आपने टिक भी लगाना है जो करेक्ट आंसर है। लॉज आर लाइक रूल्स दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। जो भी कानून होते हैं वो किसी भी मुल्क की हुकूमत बनाती है। पीपल हु ब्रेक लॉ आर सेंट टू द प्रिजन, जेल में भेजा जाता है जो भी कोई कानून को तोड़ता है। अ डैश हेयर्स द कंप्लेंट्स ऑफ पीपल, लोगों की शिकायतें या उनको जो भी उनका केस होता है अदालतों में जाता है, कौन सुनता है? जज। कायद अजम वाज अ फेमस लॉयर, कायद अजम एक बहुत ही मशहूर वकील थे। डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। लास्ट में जाके जो भी डिसीजन या जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है वो आखिरी समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप मैच द कॉलम है, आप मैच करेंगे। लास्ट टेल अस अबाउट आवर ड्यूटीज एंड आवर राइट्स, ये कानूनी होता है जो हमें बताता है कि हमारे फ़राइज़ और हकूक क्या हैं। जस्टिस मीन्स टू ट्रीट एवरी वन फेयरली, जस्टिस इंसाफ और अदल ही हमें बताता है कि किसी के साथ किस तरह से बिहेव करना है, और वो अंडर सेट रूल्स एंड लॉ, और वो किसके तहत बनाया जाता है? कानून के तहत। तीसरा है द हेड ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड, सबसे बड़ा जज जो सब जजों से बड़ा होता है उधे में उसको बोलते हैं द चीफ जस्टिस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ इन इस्लामाबाद, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।